मुझे तो लगा था कोई वरिष्ठ सदस्य मुझसे पहले बोल रहे हैं, उसको इस सदन की रूल्स की जानकारी भी होगी और ये भी पता होगा कि जब एक एक विषय पर चर्चा पहले हो जाए इस बजट पर, यानी कि उस विषय पर दोबारा चर्चा वापस नहीं होती है। और दूसरा, मैं समझ सकता हूँ कि बजट पर उनकी तैयारी नहीं थी, बजट पर तैयारी नहीं थी सर, माना जा सकता है। लेकिन ना वो बजट के समय पूरे समय उपस्थित थे, आप बजट पर चर्चा करें, ना बाकी सदन में रहने की आदत है सर। मैंने बता दिया, कुछ लोग सदन में भी कम रहते हैं और देश में भी कम रहते हैं, उसका खामियाजा यही होता है सर। और अभी भी जा रहे हैं सर, अभी भी जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, मैं पहले भी कई बार बोला, पहले भी कई बार उठ के चले गए, तो ये नई बात नहीं। ये आपके कुछ पॉइंटों पर बता रहे हैं, इनके लिए तो सर मैं इतना ही कहूंगा कि इतना सच बोलो कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, और झूठ उतना बोलो देश में थोड़ी इज्जत तो बचे। पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 सर। सर मैं ये एक मिनट, तो झूठ की फैक्ट्री क्या थी? ये जब बार बार झूठ की फैक्ट्री सामने हो रहे थे सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर 207 आपको ऑन ए डे टू बी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर पढ़ रखी है, सब्सिक्वेंट टू द डे ऑन व्हिच द बजट इज प्रेजेंटेड एंड फॉर फर्स्ट टाइम एज द स्पीकर मे अलॉट फॉर दिस पर्पस द हाउस शैल बी एट लिबर्टी टू डिस्कस द बजट एज ए होल और एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल इन्वॉल्व देयर इन। तो प्रिंसिपल की बात पे तो चर्चा हुआ था 207, आप देख लो पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर 207 देख लो। मैंने प्रिंसिपल के ऊपर तो चर्चा करने का अधिकार है। आप सब ज्ञानवान हो माननीय मंत्री जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। आई सी ए होप फॉर न्यू इंडिया, अ स्ट्रॉन्गर इंडिया एंड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया इन दिस बजट सर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेट द पाथ फॉर इकोनॉमिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, टू इंडिया मेक इकोनॉमिक एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। वो सब इस बजट में निर्णय लिए गए, वो प्रावधान किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें। कुछ ताकतें देश के अंदर रहकर भी विरोध करेंगी, अच्छी बातों का भी, घर का अपना अपना नजरिया है, किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नजर आता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा सर, कुछ लोग वर्षों तक गरीबी मिटाओ का नारा लगाते रहे, 5 पीढ़ियों ने राज किया, गरीब मिट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। लेकिन एक गरीब मां के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर जब काम किया, तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे, रोटी बांटने का राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने उस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि इनकी राजनीति ही उससे चलती थी। सड़क की एक बजट में घोषणा कर दो, उससे पहले वायदा करके एक चुनाव जीत जाओ, फिर घोषणा कर दो, 5 साल बीतने तक केवल चूना लगता था, सड़क का कोई नामो निशान नहीं होता था, फिर एक आशा दिखाते थे, उसके बाद भी कुछ नहीं करते थे। इसी तरह से इनका खेल कई वर्षों तक चलता रहता था। और जब अटल जी के समय भी देखें सर, जब नेशनल हाईवेज बनाने की शुरुआत हुई उस समय भी ये विरोध करते थे, कहां से नेशनल हाईवे बनेंगे,
आज देश में अगर कोने कोने में नेशनल हाईवे बने तो अटल जी ने शुरुआत की और नरेंद्र मोदी जी के समय उसे ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया गया है, कई गुना ज्यादा उसको बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं सर, ये जो लोग कहते थे गरीबी का नारा, आज तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं तो इतना कहना चाहता हूं सर, गरीबों को शौचालय भी बनाकर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बनाकर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, एलईडी के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी, हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी, अध्यक्ष जी मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई और यूपीआई भीम की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में होती है। ये ताकत है नए भारत की, उभरते हुए भारत की, और इस उभरते हुए भारत की और सशक्त भारत को ये लोग देखने के लिए मंजूर नहीं है। ना इनके समय में किसानों की आमदन दुगनी हो सकी, ना ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर पाए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में किया। क्या थी उसमें रिकमेंडेशंस? एक बड़ी रिकमेंडेशन उसमें ये थी कि लागत प्लस 50% मुनाफा, कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट। क्यों नहीं लागू किया? क्या कांग्रेस का कोई नेता इस पर प्रकाश डालना चाहेगा? क्या मजबूरी थी आपकी? यही नहीं, आपने तो बड़े बड़े वायदे किए थे अलग अलग राज्यों में। आपने तो कहा था कि हम लोग राजस्थान में 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे, पंजाब में कर्जा माफ कर देंगे। मैं खुली चुनौती देता हूं इस सदन में सर, इनका कोई एक नेता बताए कि अगर सारे किसानों के कर्जे माफ कर पाए। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, किसानों के वोट लेने के बाद उनको भूल जाते थे सर। और याद करिए उस समय की कर्जा माफी, सीएजी की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए, कर्जा किसको माफ किया आपने? जो कर्जा उस समय भी मात्र 50,000 करोड़ रुपए का कहा सर, उसमें आधे से ज्यादा पैसा उन लोगों के खाते में गया जो उसके हकदार ही नहीं थे। ये कांग्रेस के लोगों ने गरीब किसान का कर्जा भी माफ नहीं करने का काम किया, वो भी एक स्कैम था सर अपने आप में। और यही नहीं सर, राजस्थान में 1 से 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफी का जो वायदा किया था, राजस्थान के 75 लाख किसान आज 27 महीने के बाद भी इसका इंतजार कर रहे हैं सर। और पंजाब में तो मैं कह दूं अब चलेगा उठ के, पंजाब में कहा था, जहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, सर पहले सदस्य थे इस हाउस के, अब नहीं, चलो मैं नाम नहीं लेता, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सर मुख्यमंत्री बनने से पहले जब अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया, जिस किसान के घर से किया सर, उस किसान को कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ करूंगा और पूरे पंजाब के किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आप पंजाब के किसानों के कर्जे भी नहीं माफ कर पाए और उस किसान का कर्जा भी आप माफ नहीं कर पाए। ये असली चेहरा है कांग्रेस का। और यही नहीं, इंटेंट की आप बात करते थे, इंटेंट भी आपकी नजर आती है और इंटेंशन तो आपकी सदा देश के सामने थी ही, लेकिन हमारी सरकार ने किसानों के हित में क्या किया इस पर सर मैं कुछ प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। और इसलिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि देश के सामने जितना झूठ बोलने का काम एक राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, मुझे लगता था उनके एक सांसद ही करते हैं, लेकिन उनके नेता भी अगर यही करते हैं तो इससे पता चलता है ना वो पढ़ते लिखते हैं और केवल समाज को बांटकर राजनीति करने का काम करते हैं, किसानों को गुमराह करके उनके कंधों पर बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। लेकिन इससे उनका कभी भला नहीं होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कल भी स्पष्ट किया है, ये कानून हमने बनाया है किसानों की आय को दुगना करने के लिए। और मंडियां, जो राहुल गांधी जी ने कहा, मैं सर माननीय सभापति जी, मैं सदन में सदन के सारे 543 से ज्यादा सांसदों के सामने कहना चाहता हूं, कोई एक सांसद खड़ा होकर यह बता दे कि किस क्लॉज के अंतर्गत मंडी बंद हो सकती है।
कोई एक सांसद बताए, कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, कहां पर लिखा है मंडी बंद होगी? और मैं 2006 में ये कानून रद्द किया गया था, और उस जमाने में जितने सरकारी मंडी थे उसका 1/10 भी आज नहीं रह गया है, और अनाज हमारे किसानों का आधा दाम में भी नहीं बिकता है माननीय मंत्री महोदय। सर, माननीय सभापति जी, मैं चाहूंगा अगर अधीर रंजन चौधरी जी भी इसमें थोड़ा प्रकाश डाल दें तो देश को पता चल जाए। मैं तो ये चाहता था इसमें प्रकाश डालने के लिए एक दिन सदन से एग्रीकल्चर की मुद्दे पर चर्चा करें, तो सारे प्रकाश आप भी डालोगे, हम भी डालेंगे। अगर हिम्मत है तो एक दिन एग्रीकल्चर की मुद्दे को स्टैंड अलोन मुद्दे बना के एक दिन सदन में चर्चा हो जाए, अगर हिम्मत है आपका। अगर सारे आपका प्रधानमंत्री जी रहे, आपके सारे मंत्रीगण रहे, एक दिन सारे दिन सिर्फ एग्रीकल्चर को स्टैंड अलोन एक इशू बना के चर्चा की, आपकी बातें हो गई। माननीय सभापति जी, मैं यही देश के सामने बताना चाहता था कि जिन्होंने पहले एक हफ्ता सदन और देश का बर्बाद किया, फिर पूरी चर्चा राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई, उस पर भी इन्होंने सबने कृषि बिल पर ही बोला, आज इनके नेता पढ़कर नहीं आए, बजट पर नहीं बोल पाए, कृषि बिल पर बोले लेकिन उस पर भी केवल झूठ बोलकर चले गए। अब कांग्रेस के नेता को भी पता नहीं कि किसी क्लॉज पे लिखा है कि नहीं लिखा, एक कांग्रेस का सांसद नहीं बता पाया। ये देश के सामने हमने पोल खोली है, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की, पूरे के पूरे विपक्ष की खोल कर रखी है। यह बताना आवश्यक था देश को। और बैठो 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 और बैठो बैठो भैया बैठो ये जो मैं बताता हूँ। आप बोलते जाइए मैडम। मैं कहना नहीं चाहता था, रवनीत बिट्टू जी लाली लाली की बात करते हैं, ये किसानों के आंदोलन में गए थे, इनके गाल लाल होकर आए हैं भैया, बताना चाहते हैं नेता का लाल होगा, इनके गाल लाल हुए, ये उसी के बारे में उल्लेख यहां करवाना चाहते थे, मैंने कर दिया, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि वो भी जानते हैं इनकी सच्चाई क्या है। ये कहते मंडी बंद करेंगे, अब कौन बंद करेगा? ये स्तर इस सदन का कभी नहीं था सभापति जी, जब किसी के पास तर्क खत्म हो जाए तो तू तड़क पे आ जाए, ये शायद कहीं और चलती होगी। इस सदन में गरिमा के साथ एक से दूसरे माननीय के साथ बात की जाती थी, और जिस तरह से जो स्तर कांग्रेस का हो रहा है वो पता चल रहा है नेता से लेकर उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी। और जब सभापति जी मैं आप बताना चाहता हूं, हमने पिछले साल भी 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नैम के साथ जोड़ने का काम किया, इस साल भी मंडियों के सशक्तिकरण के लिए 1000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ने जा रहे हैं। और यही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों का जो सम्मान करना चाहता है उसके मन में कृषि विभाग के साथ साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम किसी ने रखा तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, और किसानों के कल्याण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि मोदी सरकार लेकर आई, अब तक 1,14,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों को दिया। ये बार बार सुगोता राय जी कहते हैं कि कम कर दिया, बजट कम कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार किसानों को वहां पर पैसा नहीं देना चाहती थी जो मोदी सरकार यहां से किसानों को पैसा भेजना चाहते थे। आपकी मुख्यमंत्री, आपकी सरकार उनको नहीं देना चाहती थी,
इसीलिए 14,000 करोड़ अगर पश्चिम बंगाल के किसानों का हक किसी ने मारा तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मारा है। सांसद महोदय बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, आप बोलते रहिए। मैं अध्यक्ष जी, मुझे अभी फाउंडेशन के बारे में याद करवाया, माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा, फाउंडेशन ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है, तो इन लोगों ने वो किया है। ये उसी फाउंडेशन को तैयार कर रहे थे, सदन में समय कम देते हैं, फाउंडेशन को तैयार करने में समय ज्यादा लगाते हैं। यही नहीं अध्यक्ष जी, वो जो हम दो हमारे दो की बात करते होंगे तो शायद दीदी जीजा जी और दो बच्चों की बात करते होंगे। अगर हम दो हमारे दो दीदी जीजा जी और उनके दो हैं तो मैं समझ सकता हूं इनके परिवार में चलता रहा आज तक, और अगर ये चलता रहा है तो देश को लूटने का काम किया है। और यही नहीं, इसके आगे मैं आपके सामने कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं। एमएसपी की बात की, एमएसपी को कौन खत्म कर रहा है, कहां लिखा एमएसपी को खत्म करने की बात, एक भी लाइन कहीं पर एमएसपी को खत्म करने की नहीं है। मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, एमएसपी की प्रोक्योरमेंट और एमएसपी का प्राइस ये दोनों ही बढ़े हैं तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय बढ़े। और मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख के जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बताना जरूरी है। जहां तक वीट की बात है, 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपया खर्च किया खरीद के लिए, तो गेहूं पर वो बढ़ाकर हमारी सरकार के समय 75,068 करोड़ रुपया इस साल खर्च हुआ है 2021 में। और यही नहीं, धान के लिए अगर इनकी सरकार के समय 63,000 करोड़ खर्च हुआ तो अब हमारे एक साल में बढ़कर 1,72,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। इनकी सरकार के समय 5 सालों में जितना पैसा खर्च हुआ एमएसपी खरीद पर, उससे 2.5 गुना ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को एमएसपी खरीद पर पैसा दिया है, 8,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया। कृषि बिल पर यह क्या चर्चा करेंगे, अगर मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल कहा कि मंडी व्यवस्था है और रहेगी, लेकिन मंडी व्यवस्था के अलावा भी ऑप्शन दी जा सकती, कोई कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे मंडी में जाएं, आप चाहे मंडी से बाहर किसी के पास जाएं। अरे कहीं ये कानून लिखा कि राहुल गांधी वहीं से लड़ेंगे, अमेठी से जहां चुनाव हारे वायनाड नहीं जा सकते, राहुल गांधी कहीं से जाकर चुनाव लड़े लेकिन देश का किसान, अमेठी का किसान वायनाड में जाके सामान नहीं बेच सकता, ये कहां पर लिखा है? उनके लिए अधिकार नहीं है, वो कहीं पर भी जाके लड़ सकते हैं, लेकिन किसान को जाकर कहीं पर अपना सामान बेचने का अधिकार नहीं। राहुल गांधी को पता, और दादा बैठो। इसके अलावा भी दलहन तिलहन के दाम हो तो दालों के तो 40% ज्यादा। राहुल गांधी का जवाब दे रहे भाई। माननीय सभापति जी बैठिए, माननीय सभापति जी आप बैठ जाइए। I'm not yielding, मैडम। आप अपने टाइम में बोलिएगा। मैडम अध्यक्ष जी, आप बोलते रहिए। आप बोलते रहिए। वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री जी जो इनकी पार्टी से ही आते थे, उनको लाल और हरी मिर्च में अंतर पता नहीं था, और ये जो आज भाषण देकर गए, इनको गेहूं और जौ में अंतर पता नहीं है। ये कृषि पर क्या ज्ञान बांटेंगे, ये अपना मजाक उड़वा कर गए, पूरे देश में मजाक बनेगा।
और यही नहीं, ये तो जो आंदोलनजीवी हैं, इन आंदोलनजीवियों के लिए आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस के एक नेता ने आज कह दिया कि वो महात्मा गांधी देश के सबसे बड़े आंदोलनजीवी हैं, कांग्रेस के नेता ने कहा, कहां मिला दिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। कांग्रेस और कितना नीचे गिरेगी अपनी राजनीति को लेकर, एक चिंता का विषय है। आप कभी किसान को, आप इस पर उत्तर दे दीजिए, क्या महात्मा गांधी जी इस देश के सबसे बड़ी नहीं, बताइए ना इस पे, बताइए क्या आप मानते हैं, क्या आप गिनते हैं महात्मा गांधी जी को? ये पूरा देश उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, लेकिन आपके पार्टी के महासचिव ने उनको आंदोलनजीवी कह दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इन बातों का जवाब आपको देना ही होगा। और यही नहीं मैडम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की बात कही गई, किसके भले के लिए, क्यों विरोध करते हैं आप? एक तरफ से आप कहते हैं 50-60% सामान सड़ गल जाता है, मंडी तक नहीं पहुंच पाता, उसकी अनाज का भंडारण का सिस्टम नहीं है, तो क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? और अगर बनना चाहिए तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाकर हजारों करोड़ जो आएंगे वो किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए मोदी सरकार खर्च करेगी, ताकि उससे उनको भंडारण की सुविधा भी मिले और आमदन दुगने होने का काम भी हो। 1,00,000 करोड़ रुपया हमने इसके पहले भी कहा कि अगले 5-6 वर्षों में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में खर्च किया जाएगा। और यही नहीं, मंडियों की सशक्तिकरण के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, और ऋण भी सुलभ ऋण योजना किसानों के लिए मिले, 16.5 लाख करोड़ रुपया इस साल बैंकों के माध्यम से किसानों को मिलेगा, जो पिछले बजट से 10% ज्यादा है। उनको समझ में नहीं आता, हो जाएगा, इसलिए वो थोड़ा अधीर रंजन जी को आगे। सर जो किसानों में ठंड में बैठने की बात कर रहे थे, वो उस समय तो तमिलनाडु में बिरयानी खा रहे थे, तो छोड़िए उसके बारे में बात क्या करनी है। मैडम यहां पर कहा गया कि जीएसटी को लाए, आप क्यों नहीं लाए? आप भी लाना चाहते थे, क्योंकि आप राज्यों की सरकारों को कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं थे। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं, राज्यों को 14% इंक्रीज प्रति वर्ष अगर देने का काम कोई कर रहा है जीएसटी कंपनसेशन में, तो भारत सरकार जीएसटी काउंसिल वहां से कर रही है, इसलिए पूरे देश के राज्य की सरकारें उस पर आई हैं। और इस आपदा के समय में भी जब भारत सरकार के पास पैसा नहीं था, मैंने देखा माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8-9 घंटे लगातार बैठकर ना लंच करने उठी ना चाय पीने उठी, राज्य की सरकार की एक एक बात सुन के 9 घंटे बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करके राज्यों को 6 किश्तों में 84,000 करोड़ से ज्यादा दिया, तो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने देने का काम किया। हम विश्वास रखते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, संघीय ढांचे में राज्यों को लेकर ही हम सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन आप बांटने का काम मत कीजिए। जब हम तमिलनाडु के लिए, केरल के लिए, असम के लिए पैसा देते हैं, तो आप विरोध करते हो कि असम के और पश्चिम बंगाल के चाय बगान वालों को क्यों पैसा दिया। मुझे दुख होता है सुगौता राय जी, जब राहुल गांधी जी की पार्टी और आपकी पार्टी के कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, तो क्या कसूर है उन चाय बगान के मजदूरों का जिनको मोदी सरकार मदद करना चाहती है? आपको तो आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए था। तो आप ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, अच्छा है, चलिए कुछ तो माने। और जिस राज्य से राहुल जी जिनकर आते हैं केरल में, उस राज्य को भी दिया तब भी विरोध करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से जरूर पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये कोई 2 कंपनियों का नाम लेते हैं, तो जिस राज्य से वो सांसद बनकर आते हैं, जिन राज्यों से आप सांसद हैं, क्या उस राज्य के कुछ संसाधन उन कंपनियों को बुलाकर दिए गए कि नहीं दिए गए? इस बात का जवाब आपको देना ही होगा। पोर्ट किसको दिया है बताइए, किसको दिया पोर्ट आपने? अब बोलती बंद क्यों हो गई आपकी?
शेम शेम शेम। उनको हाथ जोड़कर निवेदन करके उनको वोट दिया है तो कांग्रेस की सरकार ने केरल में दिया है माननीय। शेम शेम शेम। हमारे दोस्त को दिया। शेम बैठो शेम बैठो। यू कैन विड्रॉ इट। बैठो बैठो। प्राइवेट पार्टी दैट आप बैठिए, मैं अनुमति नहीं दी हूँ, प्लीज बैठिए। माननीय सभापति जी, कितनी हास्यास्पद स्थिति है। ऐसी पार्टी जो 55-60 साल सरकार चलाती रही, उसके सांसद उठकर कहते हैं जो हमने वोट दिया वो आप वापस ले लो। भाई बुलाएं आप, हम दो हमारे दो को दो, आप वापस ले हम। क्यों भाई, क्यों, क्या कारण है? हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये तो आपके ही दो हैं, आपने ही पाले हैं, और आपके ही समय ये जो साइलोस बने, एक बार राहुल गांधी जी पिछली अपने पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखना, ये साइलोस उन कंपनियों को किसने दिए? ये आपकी सरकार ने ही दिए हैं। इतना कोरा झूठ बोल देना, वो भी लोकसभा में। हम तो कब आए सत्ता में, 5 साल हुए, लेकिन सभापति जी 5 साल पहले जब हम सत्ता में आए तो देश की हालत क्या थी? इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 5 लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से भारत था यूपीए के समय। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदार सरकार दी, सुशासन दिया, उसके कारण दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में हिंदुस्तान को लाकर खड़ा किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने लाकर खड़ा किया। पिछले 6 वर्षों में एक भी रुपए का कोई घोटाले का आरोप हमारी सरकार के खिलाफ नहीं लगा पाया। ये ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। अभी टेबल लगा, हम में दम है, ईमानदार है, सीना चौड़ा करके सदन और सड़क में आपको कोरा जवाब देते हैं, क्योंकि आपके दीदी जिया जी उन बातों को सहन नहीं कर पाते। आपके नेता बेल पर हैं, जेल से बाहर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है। और आज वो बड़ी बात करते हैं गरीबों की, किसानों की जमीन लगे जहां पर उद्योग लगने थे, आपके अपने उस परिवार के ट्रस्ट के नाम पर दे दी गई। क्या क्या बोलूं मैं, एक परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से आज इस सदन का अपमान किया गया है, झूठ का पुलिंदा यहां पर जिस तरह से भाषण के रूप में कहा गया, ऐसे ही लोग हैं जो देश को बांटते हैं अपनी राजनीति के लिए, आज वो किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। इसका जितना निंदा की जाए उतनी कम है। बीकानेर में जमीन लेंगे किसानों की, मेघवाल जी कह रहे हमारे बीकानेर में जमीन ले ली। अब मुझे नहीं पता किसने ली, जीजा जी ने ली या बहन जी ने ली। आप तो पुराने कलेक्टर रहे, आप बताइए किसने ली किसने नहीं ली। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। माननीय सभापति जी, यूपी वाले कहते हमारी जमीन ले गए, बीकानेर वाले कहते हमारी ले गए, राजस्थान वाले कहते हमारी ले गए, हरियाणा वाले कहते हमारी ले गए। छोड़ा किसको है इस परिवार ने? किसी को तो छोड़ा होता। और ऊपर चीन से पैसा ले लिया, ऊपर चीन से और पैसा ले लिया। देखिए आज जब राजनाथ जी यहां से चीन पर अपनी एक टिप्पणी कर रहे थे, जो बॉर्डर पर किस तरह से वहां से विरोध हो रहा था, खुशी होनी चाहिए थी कि मोदी है तो मुमकिन है। और पूरी सर्दियों के समय, ठंड के समय भी हमारे सेना के जवानों ने जितनी मुस्तैदी के साथ, वीरता के साथ देश की रक्षा सुरक्षा की है, वो देश के लिए गर्व की बात है। मैं इस मंच से देश के सैनिकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैंने किया, हमारे साथियों ने किया, लेकिन उधर से अभी भी सैनिकों का कोई मान सम्मान नहीं करता। मैं एक बार फिर बोलता हूं, देश की सीमा पर जो देश के सैनिकों ने देश की रक्षा सुरक्षा करने का काम किया, देश की जनता के साथ साथ देश के सदन के, इस लोकसभा के सदस्य, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। यही देश को दिखाना था कि एक एक व्यक्ति भी वहां से देश के सैनिकों का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई राजनीतिक नहीं, लेकिन
कुछ लोग जो नसबंदी के लिए जाने जाते थे आजकल नोटबंदी की बात करने लगे। वो हमारे दो उस जमाने में कहते थे, ये उस जमाने का नारा है। और उस कहानियों पे मैं जाऊंगा तो ना जाने जो बुजुर्ग भी आज सुन रहे होंगे वो भी खड़े हो जाएंगे। मैं उस पे नहीं जाना चाहता, सदन का समय जरूरी है, लेकिन मैं दो तीन आपदा का समय था, देश लॉकडाउन में डालना पड़ा। कारण क्या था? भारत में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वेंटिलेटर्स पर्याप्त नहीं थे, मास्क भी नाम मात्र थे। यह भी पता नहीं था क्या इस बीमारी से होगा, कोविड वैक्सीन का कब आना होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन देश को ऐसा नेतृत्व मिला जिसने सही रास्ता दिखाया, देश की राज्यों की सरकारों ने पूरा सहयोग किया, देश के लोगों ने मोदी जी की तीनों बातों को माना, दो गज की दूरी भी, हाथों के साफ रखने का भी, मास्क पहनने का भी। आज दुनिया के देशों में सबसे कम मृत्यु दर जिन देशों में है उनमें से एक हमारा भारत है, ये बड़ी उपलब्धि है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है जब विपक्ष के लोग कहते हैं कि पहला टीका मोदी जी ने क्यों नहीं लगाया। आपकी सरकार होती तो पहला टीका तो आप अपने परिवार होता, प्रधानमंत्री को भी नहीं लगाते, पहले परिवार को ही लगवाते। लेकिन मोदी जी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को परिवार माना है, इसीलिए 100 से ज्यादा देशों को दवाइयां देने का काम हिंदुस्तान ने, कोविड वैक्सीन देने का काम किया है। यही नहीं, जो पीपी किट एक भी भारत नहीं बना पाता था, भारत ने वो क्षमता खड़ी की, आज दुनिया भर के देशों को पीपी किट देने का काम भी भारत करता है, दवाई देने का काम भी करता है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इसकी नींव हमने आपदा के समय अवसर ढूंढने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कुछ लोगों ने कहा कि गरीब को कुछ मिला नहीं, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आपदा आई होगी तो कभी ऐसा पहले नहीं हुआ, यह दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ कि 80 करोड़ गरीबों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं चावल देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, मुफ्त में किया। करोड़ों हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए 3 महीने तक राशन दिया, मोदी सरकार ने दिया। 20 करोड़ से ज्यादा हमारी बहनों के खाते में 3 महीने तक 31,000 करोड़ रुपया सीधा खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया तो मोदी सरकार ने किया। 3 करोड़ दिव्यांग वृद्ध विधवा के खाते में 3,000 करोड़ दिया, मोदी सरकार ने दिया। ईपीएफओ दिया जिनकी नौकरी ना जाए, आप कहते हैं नौकरी बचाने के लिए क्या किया, 12% इंप्लॉयर शेयर, 12% इंप्लॉय शेयर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 24% 6,500 करोड़ के लगभग का प्रावधान लोगों के खाते में डालने के लिए किया है। अगले 2 साल तक उनको नौकरी मिले वापस, उसके लिए ईपीएफओ में पैसा जमा कराने का प्रावधान भी, जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा वैसा भी हमारी सरकार ने वैसा अवसर दिया है। यही नहीं, आपने बड़े आसानी से कह दिया कि यह देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। सुधीर जी, आपने कहा कि यह देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता। यही अंतर है 2 विचारधाराओं में, क्योंकि आप जब बॉर्डर पर चीन की सेना भारत को आंखें दिखाती है, आप चाइनीज अधिकारियों के साथ सूप पीने चले जाते हो, आप भारत की चिंता नहीं करते। लेकिन हम आपदा के समय भी भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का अवसर नहीं खोना चाहते, आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। इंडिया शुड हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड वर्कफोर्स, इंडिया शुड बी द इकोनॉमिक पावर हाउस, इंडिया शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, ये हमारी सोच है। लेकिन क्या इस सोच में हमारा कोई मतभेद हो सकता है देश को आगे बढ़ाने के लिए? विपक्षी दल के प्रमुख नेता कह के चले जाए हिंदुस्तान की क्षमता नहीं तो किसकी क्षमता है? अरे दुनिया हमारी ओर देखती है, IMF ने कहा कि अगले साल, अगले वित्तीय वर्ष में अगर दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था 11.5% से बढ़ेगी तो हमारा हिंदुस्तान भारत बढ़ेगा। मेरे भाई, RBI ने कहा 10.5% से ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन इनको विश्वास नहीं होता, दुख होता है, दुख होता है। गर्व की विभूति तो दूर की बात, क्या होता है, दुख होता है। अगर ले के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो फारूक अब्दुल्ला जी कभी नहीं कहेंगे कि क्यों बनी,
ये हमेशा स्वागत करेंगे क्योंकि वो उसका हिस्सा था, स्वागत करेंगे। लेकिन राहुल जी जब कहते हैं कि फलाने राज्यों को क्यों दे दिया, उसको क्यों दे दिया, एमएसएमई की कमर तोड़ दी, मैं कहना चाहता हूं सदन में बड़ी गंभीरता के साथ, बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी गारंटी के, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3,00,000 करोड़ रुपया देश के मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग को देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बैंकों ने टेलीफोन करके दिया, माननीय वित्त मंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने तीन बैठकें बैंकों के सभी चेयरमैन को बुला कर ली और यह कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम से कम ब्याज पर देंगे। हमने 9.2% उसकी ब्याज दर रखी थी, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ने शायद 9% पे दिया होगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक ने 7.5% 8% पर बुलाकर 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी दी। तो मोदी सरकार के समय निर्मला जी ने बैंकों के माध्यम से देश के मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग को देने का काम किया ताकि उनको पैसा मिले। टीडीएस टीसीएस में 25% की कटौती की, आपके हाथ में कैश ज्यादा हो। इनकम टैक्स रिफंड 2,00,000 करोड़ रुपए का हमने किया ताकि आपके हाथ में पैसा ज्यादा हो। हमने सबॉर्डिनेट डेट स्कीम में 30,000 करोड़ का प्रावधान किया ताकि आपके कमर्शियल पेपर्स खरीदे जा सकते हैं। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को लागू किया 2.0 को। यही नहीं, कई और योजनाएं लेकर आए, एक के बाद दूसरी योजना लेकर आए। मैं साक्षी हूं क्योंकि आत्मनिर्भर पैकेज जब 29,00,000 करोड़ का आया तो उससे पहले जो 2 महीने लगातार मीटिंग होती थी, सुबह 9:30 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग में रहते थे। हम तो फिर 1 घंटे की छुट्टी, बीच में लंच का समय होता होगा, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग लोगों से बात करते थे। इतना समर्पित नेता अगर देश को मिला है तो मैं हिंदुस्तान की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं भावुक इसलिए थोड़ा सा हूँ कि जो नेता इतना समर्पित है उसकी सही सोच को भी आप गाली देकर देश के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आप नहीं कर पाए ये अलग बात थी, लेकिन आपने सोचा था 2013-14 में, राहुल जी होते तो मैं पूछता, उनकी आदत नहीं है सदन में बैठने की। जब निर्मला जी बजट दे रही थी तब भी वो 15 मिनट बैठे, तब बात करते रहे, फिर उठ के चले गए। इसलिए बजट पढ़ा ना, सुना था ना पढ़कर आए हैं, इसलिए बोल नहीं पाए बजट पे। और मुझे उम्मीद थी कि नेता कांग्रेस के यहां पे बैठे रहते चौधरी साहब, लेकिन वो भी छोड़ के हमें जा रहे हैं। कल भी चले गए। मेरा निवेदन इतना रहेगा, अगर विपक्ष के पास कोई अच्छे सुझाव है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस सरकार में जिस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी चर्चा होती, माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश के सभी स्टेक होल्डर से पिछले 9-10 महीने में लगातार बातचीत करते रहे, और देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने जो सुझाव दिए, हमने उन सब सुझावों को मानते हुए इस बजट को लाए, तभी जाकर कैपिटल एक्सपेंडिचर 34% ज्यादा किया है। 5,50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हुई, तो देश के अर्थशास्त्रियों ने इसका सुझाव दिया था। आखिर सेंसेक्स ऐसे नहीं इतना उछाल मारा, पहले दिन 2,200 पॉइंट, फिर 1,200 पॉइंट, फिर 51,000 से ऊपर पहुंच जाए, क्यों नहीं पहले गया? कुछ तो किया होगा। मुझे इशारा किया है कि बस खत्म करना है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस आपदा के समय भी हम रिफॉर्म्स में पीछे नहीं रहे। जो 90 के दशक में रिफॉर्म्स हुए उससे ज्यादा हमने अब किए, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, कोयला के क्षेत्र में हो, खनन के क्षेत्र में हो, डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हो, स्पेस के क्षेत्र में हो, या कृषि के क्षेत्र में हो, इनमें आज तक कभी इतनी बड़ी रिफॉर्म्स नहीं आई जो आपदा के समय भी आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई। माननीय रक्षा मंत्री जी यहां पर हैं, जिस दिन कहा था कि हम इंपोर्ट कम करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट को, तो उसके कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने 110 से ज्यादा आइटम्स की लिस्ट जारी करके कहा कि अब ये तो केवल मेक इन इंडिया ही होगा और हथियारों का निर्यात भी कम होगा। आप पीएसयूज की बात तो करते हैं, लेकिन एचएएल को कितनी ऑर्डर बुक थी आपके समय? हमारा देखिए, हेलीकॉप्टर हो या फाइटर जेट्स हो या बाकी हो, हमारी सरकार ने देने का काम किया है। बेचना तो आप भी चाहते थे, डिसइन्वेस्टमेंट आप भी करना चाहते थे,
2004 से लेकर 9 तक आपने पूरी ताकत लगाई डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन आप 8499 करोड़ रुपया रेज कर पाए, केवल 8499 करोड़ रुपया। कारण, आप रफेल जेट क्यों नहीं खरीद पाए? जीजा जी का इंतजार हो रहा था, बातचीत चल रही थी, कमीशन सेट नहीं हुआ, और कितना मिलेगा उसकी सेटिंग हुई नहीं थी। किसके बारे में? आपके आपके टू जी थ्री जी कोयला। देखिए, अब तो देश जान गया कि जब 2+2 की बात करें तो जीजा जी वाले पहले खड़े हो जाते हैं। यही नहीं, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपने बैंकों की बात कही, बैंक आप ऐसी दुर्दशा में छोड़कर चले गए थे कि 2015 में हमें एसेट क्वालिटी रिव्यू करवाना पड़ा, सही एनपीएस हम देश के सामने लेकर आए, 5.5 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल री इन्फ्यूजन हम लोगों ने, रिकैपिटलाइज हम लोगों ने किया, 12 बैंक हमने बनाए अमलगमेशन करके, और पीसीए फ्रेमवर्क से भी लाए तो हम लाए, 20,000 करोड़ रुपया इस बार भी आदरणीय निर्मला जी ने इसमें रखा है बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन के लिए, और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की लंबे समय से मांग थी वो भी बनाने का काम कर रही है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है उसके, और जो फोन बैंकिंग आप लोग करते थे हमने वो भी बंद कर दिया है। यही नहीं, आप बड़े वर्षों तक अनुसूचित जाति की राजनीति करते रहे, अल्पसंख्यकों की करते रहे, आपने जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगा, लेकिन हमने कभी वोट किसी ऐसे आधार पर नहीं, हमने विकास के नाम पर सदा जनता के सामने गए। और इस बजट में भी माननीय निर्मला जी ने अनुसूचित जाति के लिए अक्रॉस मिनिस्ट्रीज अगर बजट में बढ़ोतरी की है 51.65% की है। हमने उसको 83,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ कर दिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के लिए 28% वृद्धि की है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के लिए, और जो दिव्यांगों के लिए मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट है उसके लिए 30% की वृद्धि की है। ये कौन है? आप कहते हैं आम आदमी के लिए बजट नहीं, ये आम नहीं तो कौन आम? आप किसानों के लिए 65,000 करोड़ पे अगर हमने बजट में प्रावधान किया पीएम किसान में, तो ये नहीं तो और कौन है आपके लिए आम? यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में कुछ निर्णयों का स्वागत करें। हमने पहले भी कहा कि मंडियों में, केवल सरकारी मंडी में या सरकार के जो अभी मंडियां हैं उसमें या जो नई व्यवस्था बन रही है उसमें किसी को जाना मजबूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप आज भी अपना सूट साड़ी कैप कुछ भी खरीदने जाते हैं, कोई आपको ये नहीं कहता इसी दुकान पे जाइए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों को भी मजबूर मत करिए। किसानों को 70 वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता आजादी मिली है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अपने फसल को बेचने की मिली फ्रीडम दिया। इसलिए मैं अंत में इतना ही कहता हुआ, क्योंकि विस्तार में माननीय वित्त मंत्री जी कहेंगी, मुझे केवल कुछ पक्ष यहां पर आपके सामने रखने थे। हमने पुरानी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है, देश को मजबूती दिलाने का काम किया है, पटरी पर लाने का काम किया है, और चरमराती हुई अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकालकर एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। कृषि बिल पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण के मैं रोड़ा ना बने, और इतना ही कहूंगा कि आज साजे दिल में तराने बहुत हैं, अभी बनाने आपको बहाने बहुत हैं, काले ये कृषि कानून नहीं, काले आपके इरादे और काले आपके फसाने बहुत हैं। और इसलिए जब इनकी ये काली सोच, काला नजरिया, देखने का तरीका बदलेगा, हमने तो काला बाजारी खत्म की है, क्योंकि इनके समय महंगाई 11% होती थी, हमारी सरकार के समय 4% से कम रखने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया है। ये किसी पहलू पर बजट के, अर्थव्यवस्था के, या कहीं पर भी अपनी बात रखेंगे, मैं इतना ही कहूंगा कि फिजिकल प्रूडेंस की बात करनी हो, इनके समय 5.6% फिजिकल डेफिसिट था, जिसको कम करते 3.5% से कम मोदी सरकार लेकर आई,
और आगे भी आदरणीय निर्मला जी ने कहा कि फिजिकल कंसोलिडेशन का हमारा पाथ क्या होगा, कैसे हम इसको कम करते आएंगे। लेकिन देश को आज खर्च करने की जरूरत थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए। लोगों के हाथ में हमने पैसा भी दिया, अन्न और धन की कमी ना लोगों के लिए छोड़ी है, ना गरीब के लिए, ना जनता के लिए, और ना व्यापारी के लिए, ना ही आगे छोड़ेंगे। हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का सपना और संकल्प मोदी सरकार ने लिया है। आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए हम भारत को $5 ट्रिलियन इकॉनमी भी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।